नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। आसमान से देश की हिफाजत करने वाले वायुसेना के जाबाजों की जिंदगी हर वक्त दांव पर लगी रहती है। एक चूक और जिंदगी खत्म। आसमान में हवाओं से बातें करने वाले फाइटर पायलट अपनी जान को हथेली में लेकर चलते हैं। हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले फाइटर प्लेन में गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती और चंद सेकंड में पायलट को जिंदगी और मौत चुननी पड़ती है। जब फाइटर प्लेन में कमी आ जाती है तो सबसे पहले पायलट को फाइटर प्लेन को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाना पड़ता है, नहीं तो जमीन पर भयंकर नरसंहार हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रैश फाइटर से पायलट किस तरह बाहर निकलता है? जी हाँ, जिस तरीके से पायलट क्रैश फाइटर से बाहर निकलता है उसे सीट इजेक्शन तकनीक कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे काम करता है पायलट की सुरक्षा का ये सिस्टम। दरअसल विमान में किसी भी तरह की इमरजेंसी होते ही विमान उड़ा रहे पायलट को कुछ ही क्षणों में इसका पता चल जाता है। जिस तरह की इमरजेंसी होती है उसमें पायलट को ही परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही निर्णय लेना होता है। पायलट की कोशिश होती है कि वो एटीसी को बताकर इसकी लैंडिंग करने का ऑप्शन चुने, लेकिन फाइटर में आग लगने या फिर कम ऊंचाई पर संपर्क टूटने पर तुरंत ही पायलट को कुछ ही सेकंड में इजेक्शन करना होता है। पायलट फाइटर को एक निश्चित दिशा में मोड़कर इजेक्शन करता है। जिस फाइटर को पायलट उड़ा रहा होता है उसकी सीट के नीचे दो लाल लीवर लगे होते हैं। पायलट आखिरी ऑप्शन पर इन लीवर्स को खींचता है जिससे वो विमान की कॉकपिट से बाहर उछल जाता है। जैसे ही पायलट कॉकपिट से बाहर आता है उसके कुछ ही देर बाद ड्रेस में लगा पैराशूट ऑटोमेटिक खुल जाता है जिसकी मदद से पायलट नीचे आ जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पायलट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर इजेक्शन होते ही विमान की विशेष प्रणाली से एटीसी को तुरंत ही इसका पता चल जाता है।